हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप ये रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हो और जो टेक्सचर दिख रहा है आपको वो किस तरह से आप हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना किस तरह से मैं शेड करूँगा, किस तरह से मैं ब्लेंड करूँगा, हाईलाइट्स करूँगा, व्हाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा और इस तरह का टेक्स्चर ड्रॉ करूँगा। बाय द वे, ये रेफरेंस फोटोग्राफ है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको ड्रॉ करना है तो। सो गाइस, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले पुपिल और आइरिस को आप शेड कर सकते हैं। तो हल्के से मैंने आउटलाइंस को ड्रॉ किया है, बिल्कुल हल्के से 5H पेंसिल का यूज़ करके। और पहले मैं पहले कंप्लीट शेडिंग करूँगा कंप्लीट, ताकि आपको अच्छे से एक बार शेडिंग समझ में आ जाए, और उसके बाद ब्लेंड करूँगा। छोटे छोटे पार्ट को पहले शेड करके ब्लेंड नहीं करूँगा, ब्लेंड लास्ट में करेंगे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल जिसके अंदर 2B की लीड है, तो पहले एक बार लाइटली शेडिंग कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट में थोड़ी डार्क शेडिंग होगी, जो भी आइरिस का ये वाला पार्ट है कॉर्नर वाला पार्ट, तो यहाँ पे थोड़ी डार्क शेडिंग होगी। पुपिल काफ़ी डार्क होता है, तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की। जो भी डार्क एरियाज होंगे, एक्सट्रीमली डार्क एरियाज, वहाँ पे मैं 10B पेंसिल का ही यूज़ करूँगा। थोड़ी डार्क शेडिंग में यहाँ भी कर रहा हूँ 10B पेंसिल से, क्योंकि रेफरेंस फोटोग्राफ में यहाँ पे डार्क है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए मैं फिर से 2B मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। स्केलरा में जो भी वाइट वाला एरिया होता है, स्केलरा बोलते हैं उसको, तो उसमें लाइट शेडिंग के लिए मैं लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इस पार्ट में जब भी शेडिंग कर रहे हो तो आपका फ्लो इस तरह से होना चाहिए शेडिंग में, इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी लगता है, और जब ब्लेंड करोगे तब भी मतलब ग्रेफाइट अलग से स्पॉट्स से नहीं दिखेंगे बीच में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी डायरेक्शन में करो। तो अब मैं जो लाइन्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे झुर्रियाँ सी हैं, तो आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, तो झुर्रियाँ सी हैं तो इनको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी तो लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर से फिर शेडिंग करूँगा इसी पेंसिल का यूज़ करके। लाइटली मैंने इसको शेड कर लिया है, तो अब जो भी डार्क एरियाज हैं उनको ऑब्जर्व करके थोड़ा और डार्क कर लूँगा मैं। आईब्रोज भी पहले लाइटली ड्रॉ कर लेते हैं, बस हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं इस तरह से। सो गाइस, शेडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो काफी सिंपल सा था, लाइट टू डार्क मैंने शेडिंग किया। जो भी एक्सट्रीमली डार्क एरिया थे वहां पे मैंने 10B पेंसिल का यूज किया, अदरवाइज मैंने 2B और 4B पेंसिल का यूज किया। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो मैं ब्रश का यूज कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैंने शेडिंग की उसी डायरेक्शन में मैं ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ। अब फिर से लाइट एरियाज और डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके फिर से दोबारा शेडिंग करनी है, जो भी आई रेज में पुपिल में। अब हाइलाइट्स करने के लिए मैं टोम्बो 00 का यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, तो अभी मैं जेल पेन का यूज़ सीधा नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं टोम्बो 00 का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं डॉट्स से लगा रहा हूँ, जो कि रेफरेंस फोटोग्राफ में है। जो भी फोटोग्राफ में आपको बिल्कुल वाइट वाइट एरियाज दिख रहे हैं उनको ऑप्ट करने के लिए आप टोम्बो 00 का यूज़ कर सकते हो, बस आपने इरेज करना है, और जेल पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। अब 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके
तो ये लाइन से लगा रहा हूँ जो कि फोटोग्राफ में आपने देखा होगा झुर्रियाँ सी हैं, बस इन्हीं लाइन्स को हमने लगाना है बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने काम करना है, अगर बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक सा बनाना है फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से बनाना है, जिस तरह से मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली डॉट से लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट में वाइट जेल पेन, क्योंकि फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं जितने वाइट एरियाज हैं, जितने वाइट एरियाज हमको उभर के दिख रहे हैं वो हमको रियल अपनी ड्राइंग में नहीं दिख रहे हैं, तो उनको ऑप्ट करने के लिए अब हम वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई और रेफरेंस फोटोग्राफ होती जिसमें इतने ज़्यादा वाइट एरियाज ना होते तब हम ओनली इरेजर का यूज़ करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने हाइलाइट्स किया वाइट जेल पेन का यूज़ करके वो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइट वाइट लग रहा है, तो उसके चारों तरफ अब मैं शेड कर रहा हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके, ताकि थोड़ा बहुत हाइपर रियलिस्टिक सा लगे। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कहाँ पे कितना डार्क एरियाज है, कहाँ पे कितने डॉट वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी पेशेंस वाला काम है, इस तरह से आपने डिटेलिंग करनी होती है फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, अगर आपको बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक जैसे बनाना है तो। और इसको बनाने में मुझे 2 घंटे लगे। आईब्रोज के लिए भी मैं वही 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बस हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं क्योंकि काफ़ी डार्क हैं, तो 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको चारकोल से बनाना है तो चारकोल में भी यही मेथड रहता है, मैंने वीडियो बना रखी है आप देख लेना, बट चारकोल में काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं, इसमें इतने अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, बट आप इससे भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है, आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। मैंने इसे रफ पेपर पे ड्रॉ किया, आप स्मूथ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर स्मूथ पे ड्रॉ करेंगे तो और आपको स्मूथ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट रफ पे करेंगे तो इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप लाइट टू डार्क शेडिंग करनी है। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।